हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू बीसीएल। माय सेल्फ सरोज कुमार। तो पहले तुमने समस्त देखी थी मैं केमिस्ट्री क्लास वन में तुमको डिटेल स्ट्राटेजी कहते कमी कौन कौटी कौन मार्क आम सिक्योर करवा एंड कि भाव में सब टॉपिक गुड़ाक कवर अप करवा। ओके, सो आज आम देखा आम केमिस्ट्री क्लास नंबर टू एंड हाँ जहाँ भी क्लासेस वगैरह सब हो जहाँ भी डिटेल्स सब पीडीएफ वगैरह रोच सब आम टेलीग्राम ग्रुप पोस्ट कराऊ। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अच्छी। सो डेफिनेटली समस्त जाके जॉइन करिवो। ओके, एंड सेटा डेफिनेटली मैंडेटरी से क्या हमें वेरियस टाइप रो क्वेश्चंस वगैरह भी सेंड करूचु। ओके, सो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अच्छी, तुम्हें फटाफट जाके जॉइन करिवो। ओके अच्छा, एंड जदि फास्ट ऑफ ऑल तुमने समस्ते हमरो बीसीएल यूट्यूब चैनल को नुआ आसो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिवो एंड साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल रे सेट कर देबो तले कोन हम आम जहाँ जहाँ नुआ नुआ वीडियो अपलोड करवा सब तुमको पहुँची जाए। ओके, सो फास्ट क्लास में आम डिटेल पढ़ी कौन ना डाल्टन्स रो एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो आज आम देखा गोटे बिगेस्ट ब्रेक थ्रू आसला। ओके, सो जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है तो ब्रेक थ्रू रे कौन आसला ना ब्रेक थ्रू रे आम देखिले कि सब एटॉमिक पार्टिकल डेवलपमेंट है कहार डेवलपमेंट है ना सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डेवलपमेंट है। ओके, सो ये लिखाई कौन ना डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कह एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। ओके, सो कौन कौन ना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट मीन्स कौन है ना आम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करके चेक करल कौन कौन नेक्स्ट बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड ए बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो चार्ज पार्टिकल कि जो बेसिक रूल आम माइंड रे थिबा दरकार। ओके, सो कौन कौन सेटा ना लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ओके, सो कौन कहला ना जितकि भी लाइक चार्जेस अच्छा जितेबाला भी लाइक चार्जेस पाक आसवे से माने कौन करेंगे ना ये गोटे लाइक चार्ज ये गोटे आसला लाइक चार्ज। ओके, सो ये कौन करेंगे ना दिज को रिपेल करेंगे है दिज दिज कौन करेंगे ना रिपेल करेंगे बट जिते आम अनलाइक चार्ज ने। ओके, सो जिते आम अनलाइक चार्ज नौ। ओके, सो अनलाइक चार्ज नेपटे भी मुझे कौन नी ना एपटे भी नी अनलाइक चार्ज तो ये कौन करेंगे ना अट्राक्ट करेंगे। क्लीयर बुझीगला? ओके अच्छा, सो जितेबले मु तुमको फास्ट वीडियो रे कही थी कि दुटा जिन विषय में तुमको कहबी गोटे सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल है आ गोटे कही थी कौन ना फंडामेंटल पार्टिकल आउट हला फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, सो ये दुटा विषय आम डिटेल आज बुझा कि कौन जिनसा है सो सब एटॉमिक पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल कौन 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 कहूँ विषय में डिटेल जानवा। ओके, सो सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स कौन है ना टोटल सब गोटे जिन मन रखे पहले टोटल 34 सब एटॉमिक पार्टिकल पॉसिबल होते हैं 34 से भितर आम पढ़ी फोटोन गोटे जिस तुम्हें पढ़ी थो है जितना आम पढ़ूचे डिस्कवरी कहार कह पढ़े आम डिस्कवरी पढ़ुचे इलेक्ट्रॉन रो। ओके, आउ कार पढ़ुचे प्रोटॉन रो पढ़ुचे आउ कार पढ़ुचे ना न्यूट्रॉन रो पढ़ुचे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आम तीन टा डिस्कवरी पढ़ुचे बट जब आम फोटोन गोटे जिनस अच्छे जाने है सो फोटोन हो यूवी रेज हो यहाँ सब कौन है ना एम सब सब एटॉमिक पार्टिकल गुड़ा फोटोन गोटे सब एटॉमिक पार्टिकल टा। ओके, सो दैट्स व्हाई सब एटॉमिक पार्टिकल 34 टा हो पार अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एम भी गोटे गोटे सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो कि न्यूट्रॉन हो एम भी होती कौन ना ऑल दिस थ्री आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स किंतु फंडामेंटल पार्टिकल होती केवल ये तीन टा। ओके, सो ये थ्री टा होती ओनली फंडामेंटल पार्टिकल किए किए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान मीन कौन है ना यही तीन टा को लेकिन गोटे एटम फॉर्मेशन हो बुझेगा बोले तेल यही तीन टा को कौन फॉर्मेशन है ना एटम रो फॉर्मेशन हो बुझेगा बोले इतनी जिनस अच्छा। नेक्स्ट आम देखा बिगेस्ट ब्रेक थ्रू सो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू किए आनी ना बिगेस्ट ब्रेक थ्रू नहीं आसे किए ना आमर जे जे थॉमसन ठीक अच्छे केवे आनी 1897 दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कौन कहते ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करते। ओके, सो किए करें ना जे जे थॉमसन
क्लियर। अच्छा ये देखी पार तो ये हो जे जे थॉमसन एटा तांकर पूरा कंप्लीट प्रोसेस टा ओके। सो एटी जो से जो नहीं थिले वैक्यूम ट्यूब टा देन से एटी इलेक्ट्रिसिटी छाड़ु चंदी देन तापर तो डिटेल ले चेक कर चंदी ओके। सो ये हले के ना जे जे थॉमसन ओके। सो हमें डिटेल ले डिस्कस करबा या ऊपर ओके। सो फर्स्ट कौन कहुचना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके। सॉरी गोटे मिनिट। अच्छा देख सो नेक्स्ट कौन कहला ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ आम कौन कहना कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ठीक अच्छे आपको आम एक्सपेरिमेंट बोले कहूँ ओके। सो कौन कहे ना इट इज ए सिल्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ गैस व्हिच हैज मेटल इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स कौन है ना एपट साइड गोटे मेटाल इलेक्ट्रोड रोच एपट साइड गोटे मेटाल इलेक्ट्रोड रोच एंड टोटल कम्प्लीट टाक कौन करा गोटे भैक्यूम भितर एम बंद कर दिखाई ओके। सो यहाँ वैक्यूम टा दैट मीनस कौन है कि या भितर कौन सी भी गैस पार्टिकल प्रेजेंट ना ओके। सो ये कौन है ना ये गोटे वैक्यूम है ओके एंड ये वैक्यूम भितर टोटाल गैस किसी प्रेजेंट ना एंड खाली बहुत साइड में दुटा इलेक्ट्रोड गुडाक कनेक्ट कराई दैट सीट आउ किसी नुह ये एक्सट्रा जिनस किसी भी ना ओके। ताले ये होगा ये क्लीयर पीले बुझेगा इतनी जिनस ताले ये गोटे इलेक्ट्रोड एंड ये गोटे इलेक्ट्रोड है। अच्छा नेक्स्ट कौन कले ना गैसेस आर अच्छा आम कौन जानते कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। दैट मीन्स ऑर्डिनरी कंडीशन रे गैसेस गुड़ा कौन होते ना एम होती इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर बट दे बिकम कंडक्टर एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेसर। बट जितेबाद मुझे कौन करी ना वोल्टेज को हाई करदेली वोल्टेज को हाई करदेली एंड कौन कले ना प्रेसर को लो करदेली हेला वोल्टेज को हाई कर दिले एंड प्रेशर को कौन कर दिले लो कर दिले। तो सही टाइम रे कौन हबो ना एट दैट टाइम एम माने हिजबे कौन ना गुड कंडक्टर एम माने कौन हिजबे ना गुड कंडक्टर हिजबे को माने ना गैस माने ठीक अच्छे को माने हेले ना गैस माने ओके बुझेला बिले एति जिनस। एबे जो डायग्राम टा अछि आमे डायग्राम टा को क्लियर बुझिबा हेला। सो देखो तले कौन कहूँ ना डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ है डिस्चार्ज ट्यूब टाक सी नहीं थे देन ये डिस्चार्ज ट्यूब लिख दिखाई तपर कौन कहे एयर एट लो प्रेशर मीन्स एयर टा बहुत लो प्रेशर रे अच्छे एपट साइडटा है कैथोड एपट साइडटा गला एनोड ओके। सो एपटे नेगेटिव साइड जोड़ी एपटे पॉजिट साइड में कनेक्ट कराई एंड यहाँ गोटे हाई वोल्टेज जेनेटर ये कनेक्ट कराई पाखापाखि 10,000 वोल्ट पाखापाखि 10,000 वोल्ट रे कौन करते ना वोल्टेज नहीं थे हेला। आउ ये कौन ना ये गोटे वैक्यूम पंप टा वैक्यूम पंप कौन करो ना से जो वैक्यूम भितर जितक भी सब एयर थिला से कौन हेल्प करे ना एयर रिलीज करिवार हेल्प ठीक अच्छे एयर रिलीज ओके। सो एयर रिलीज करिवार हमको कौन करे ना हेल्प करे ओके। से कौन है ना एयर टा रिलीज हो गला क्लियर ठीक अच्छे। देख देन नेक्स्ट कौन कौन बर्तमान आम देख हेला। अच्छा सो जितेबाला इलेक्ट्रिसिटी मुझे पास कली या भितर देखी एटु इलेक्ट्रिसिटी पास कराला पर देखो ये कौन है ना एपटे एर गुड़ाक एपटे एपटे गल ठीक अच्छे। ये जो एर गुड़ा कौटू बाहर नेगेटिव साइड रू बाहर नेगेटिव साइड को आम कौन कहे कैथोड बोली कहे दैट्स व्वे या कहीदे कौन ना कैथोड रेज दैट्स व्वे आम कौन कहीदे ना ऑल दिस आर कॉल्ड द कैथोड रेज दैट्स व्वे आम कौन कहीदे ना से आम कैथोड रे बोली कह बुझेगा बोले एतक जिनस। अच्छा देन नेक्स्ट देखा कौन कौच सी। अच्छा सो डिटेल समस्ते बुझीगल यू कौन ना जो डिटेल डायग्राम थिला मैं डायग्रामेटिकली बुझीगले कौन कौन सब सी नहीं थे डिस्चार्ज ट्यूब रहा एयर प्रेसर टाक लो करदे देन जितेबाद इलेक्ट्रिसिटी पास करा कौन है ना यपट सैड गोटे ग्रीन कलर ग्लो सो करा ठीक अच्छे। एपट सैड कौन ना ग्रीन कलर ग्लोटा सो करा ये लिखा है ग्रीन कलर ग्लो। अच्छा ये ग्रीन कलर ग्लोटा कौन थी ना सर ये थिला ZnS। ZnS कौन ना ZnS इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड कौन कहला जिंक सल्फाइड बोली कह ठीक अच्छे। सो ZnS को कौन जिंक सल्फाइड बोली कहे जिंक सल्फाइड धर्म है कौन तर लाइट पड़े से ग्लो करे ओके। सो दैट्स व्हाई आगे कौन कहे ना दिस इज कॉल्ड ZnS क्लीयर है पे। अच्छा देन नेक्स्ट आम देखा यार प्रॉपर्टीज सब कौन कौन रोज ओके। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे ओके। सो कैथोड रे सब प्रॉपर्टी कौन कौन रोज ओके। अच्छा सो पहले जब एवं पर्यटन तो मैंने कि सब्सक्राइब करनो सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करनो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को देन आम आपको आपको आहरी डेफिनेटली आगे ओके। सो सब्सक्राइब करनो फर्स्ट एंड एवं लाइक एंड शेयर डेफिनेटली कर ओके लाइक एंड शेयर डेफिनेटली कर देन सब्सक्राइब भी करनो चैनल को ओके। सो देखिए फर्स्ट कौन कहे फर्स्ट कहे दे आर नेगेटिवली चार्ज ऑब्वियसली कथा कौ
कौटु बाहर ना सर जेहेतु कैथोड रु बाहर दैट्स वाई ऑल दिस आर द नेगेटिव रेस नेगेटिवली चार्ज से माने रखले ते ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन आम देखिले ना एमती स्ट्रेट लाइन ने ट्रैवल करतले से माने स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करले नेक्स्ट कौन कहे दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ए माने केमती पार्टिकल नहीं तैयारी होती ना स्मॉल पार्टिकल जितनी छोटे 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 पार्टिकल के माने तैयारी हेले नेक्स्ट कौन कहे दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस कौन प्रोड्यूस करले फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस इफेक्ट मीन्स कौन है ना लाइट जितने लाइट पड़े ग्लो कर ठीक अच्छे तो मुझे डायरेक्ट लिखिद लाइट पड़े ग्लो कर बुझेगा पहले तो जितने लाइट पड़ा मैंने से कौन कर ग्लो कर सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस इफेक्ट ठीक अच्छे एंड यही इफेक्टा तुम देखा जाए कौटी ना जो रोड साइड जो तुम्हें सिंबल देखते ट्रायंगुलर सिंबल थाए ठीक अच्छे कि एनी टाइप रोड सिंबल जहाँ भी तुम देखो तो आम से कौन आगे ना रेडियम बोली कहते बट नाई पीले सी रेडियम नुह तो सर कौन है सी जिनसा ना सी फ्लोरोसेंस इफेक्ट शो करुँच फ्लोरोसेंस इफेक्ट मीन्स कौन है कहल पर लाइट पड़े ग्लो कर तुम्हें देखो जो जिन गुड़ा से रोड साइड में थाए सेम जिस बाइक रे भी लगे गाड़ी भी लगे पचपड़े जो लाइट उपर जाए कौन कौन करना हाथ में अंधार करके देखिए जाइए देखो ना तीन लाइट ग्लो करूनी जदि से लाइट शो करूनी से रेडियम कौन मैंने रेडियम धर्म कौन से दिन सारा भितर लाइट नब एंड राति से लाइट को एमिट कर सो यहाँ रेडियम धर्म बट ये तो सेमती कर तो सी कौन देखेगा मतलब ना सी मतलब फ्लोरोसेंस इफेक्ट शो कर दैट मीन लाइट पड़े ग्लो कर बुझेगा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कौन कौन द प्रोड्यूस एक्सरेज से कौन प्रोड्यूस करते एक्सरे प्रोड्यूस करते ओके अच्छा नेक्स्ट कौन कहला सिक्स पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम आसे यहाँ से कौन कहे ना जो कैथोड रे गुड़ाक रही है मैंने केमती नेचर एम फंडामेंटल अच्छा फंडामेंटल मीन्स कौन है मैं बुझे दूची जो आम इलेक्ट्रोड नहीं सैड्रे सैड्रे दुटा इलेक्ट्रोड नहीं आम ओके दुटा इलेक्ट्रोड नहीं एंड जो ट्यूबटा को नहीं आम एंड से ट्यूब किसी ना किसी गैस डेफिनेटली प्रेजेंट थी ओके सो फंडामेंटल मीन्स कौन है ना जदि मुझे गैस टाक चेंज करुच्ची जदि इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करुच्ची ताहले मध्य कौन सी प्रकार परिवर्तन कैथोड रे रे देखा जीवो नहीं बुझेगा आउ थे कहूँ जदि मुझे इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करी कि भितरे गैस मटेरियल को चेंज करी फिर भी तापर भी मत एनी टाइप ऑफ चेंजेस शो करना दैट्स व्हाई ऑल द कैथोड रेज आर फंडामेंटल इन नेचर से सब कैथोड रेज गुड़ाक आम कौन कहे ना ऑल दिस रेज आर फंडामेंटल इन नेचर केमती नेचर है मानकर ना मैंने होती फंडामेंटल क्लीयर बुझेगा कि जिनस पॉइंट कौन कहते देखा सेवेन नंबर पॉइंट अन् चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेंड सेम जिते आम कौन करुचे ना जिते आम गैस टाक चेंज करें जो मुझे बुझेली आईदर मुझ गैस टाक चेंज करे किंबा इलेक्ट्रोड मटेरियल गुड़ाक चेंज करुच्ची गैस चेंज करे कि इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करुच्ची फिर भी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेंड सेम जो कैथोड रेज रो प्रॉपर्टी गुड़ाक थिला सेमाने केमती ना सेम रही चेंज हेबे नाही नेक्स्ट एट नंबर पॉइंट कौन कहे द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विथ ए मास ऑफ 0.000549 AMU यहाँ आमको मन रखा पड़ो फ्रैक्चुअल डाटा ठीक अच्छे सो ऑथेंटिकल जिनसा तो आम मन रखा पड़ो ओके सो के रोचे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ ए मास मास के 0.000549 AMU AMU कौन हो ना एटमिक मास यूनिट AMU मुझे एपटे लिखिद एमयू फुल फॉर्म है कौन ना एटमिक मास यूनिट है कौन कहले एटॉमिक मास यूनिट क्लियर पीले बुझेगा समस्ते अच्छा तेल सबुटा पॉइंट बुझे पार ओके ताले नेक्स्ट आम देखा पॉइंट नंबर नाइन ओके सो नाइन नंबर पॉइंट देखा कौन कहे सो नाइन नंबर पॉइंट कौन कहला ना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज ए शार्प शैडो इज प्रोड्यूस्ड ओके सो जो आम गोटे कि ऑब्जेक्ट को रखिले है अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे कहली कौन है ना जमीक यहाँ धर सनटा ओके सो ये सन आमर देन सन रु जिते लाइटा पड़ुची ये अर्थ है ठीक अच्छे ये अर्थ ये सन ठीक अच्छे देखो ये पर्सन लाइट पड़ुची देन ये पर्सन टा कौन रहा पर्सन टा छाई रहा ना ब्लाक रहा कौन पाई ना बिकज अर्थ को क्रॉस करके सनलाइटा जापर नहीं सनलाइटा एपटे एंड एपटे चल जाऊँ अर्थ को क्रॉस करके जापर ना दैट्स व्हाई जितेबाला मुझे ये गोटे ऑब्जेक्ट को प्लेस करी ये गोटे ऑब्जेक्ट ये प्लेस कराई सो मैंने प्लेस ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रे तो एट दैट टाइम कौन ना यार सर्फ सेड देखिए देरी यहाँ कौन
जमती ऑब्जेक्टा नहीं थी सेम ती ही गोटे सेडोटा फॉर्मेशन है। दिस इज द सेडो ऑफ द मेटल क्रॉस। ओके से जो मेटल क्रॉस मुझे लिखी थी एनोड रखी थी एनोड मेटल क्रॉस जो रखी थी सो ये कौन है ना यार ठीक एक्जाक्ट सेडोटा ये कौन है ना फॉर्मेशन होगा सेडो ऑफ द मेटल क्रॉस। ओके सो ये कौन है कैथोड रेज गुड़ाक रिलीज होती कैथोड रेज फ्रॉम नेगेटिव रू जो जाऊँच पॉजिटिव आड़क कैथोड रू गला कैथोड रू पॉजिटिव आड़ जाऊँच दैट्स व्हाई कौन है ना तार गोटे सर्व सेडोटा प्रड्यूस है। ओके देन नेक्स्ट कौन कहूँ देखा 10 नंबर पॉइंट कौन कहला देख सो 10 नंबर पॉइंट कौन कहे आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड एनोड परफोरेटेड परफोरेटेड मीन्स कौन है बिल्कुल परफोरेटेड एक्जाक्ट ओडिया मीनिंग हूँ छिद्रजुक्त परफोरेटेड एक्जाक्ट ओडिया मीनिंग छिद्रजुक्त मैंने जस्ट सिंपल गोटे कणा थी आगे ना द पार्टिकल स्ट्राइक जिंक सल्फाइड कोटिंग कौन कही कटिंग कहार दिखाई जेड एन एस कही ना जिंक सल्फाइड रोटिंग एंड डेभलपड ए ब्राइट स्पॉट अकॉर्डिंग दिस जो ब्राइट स्पॉटा मत ये देखाऊला केमती कलर रे ना ग्रीन कलर मत सोला कौ कलर सोला ना ये सैड ग्रीन कलर एमती ग्लोड देखाऊला ना ग्रीन कलर सोला। ओके तो बुझिपार समस्ते सो 10 नंबर पॉइंट भी क्लियर है कौन कहला ना आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड एनोड जो परफोरेटेड एनोड देखी छाड़ी पार्टिकल जो स्ट्राइक कल जिंक सल्फाइड रोटिंग को सो एट दैट टाइम कौन है ना सी गोटे ब्राइट स्पॉटा डेवलप है। ओके सो कहाँ पर है ना बाय द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फाइड क्लियर बिले बुझे जिनस 10 नंबर पॉइंट गला देन नेक्स्ट आम देखा 11 नंबर पॉइंट। ओके सो 11 नंबर पॉइंट देखो कौन कौन हेला अच्छा सो 11 नंबर पॉइंट जस्ट ए मिनिट। ओके सो 11 नंबर पॉइंट आम देखा अच्छा सो 11 नंबर पॉइंट कौन कहे ना व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट तो कौन करागला ना जो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड दे है कौन फिल्ड आनिली इलेक्ट्रिक फिल्ड दिले अच्छा इलेक्ट्रिक फिल्ड रो मीनिंग कौन ना इलेक्ट्रिक फिल्ड रानेला एपटे गोटे पॉजिटिव थी एपटे नेगेटिव थी हूँ इलेक्ट्रिसिटी कौन थे गोटे पॉजिटिव साइड थे गोटे नेगेटिव साइड थे। ओके अच्छा सुधाबले भी एटा थिला हमरो कोनटा टेस्ट ट्यूब सॉरी टेस्ट ट्यूब बुझे कैथोड रे ट्यूब वैक्यूम ट्यूब सो वैक्यूम ट्यूब रो ए साइड टा गला कौन कैथोड। ओके मुझे इलेक्ट्रिक फिल्ड आनिले देख एटा ला नेगेटिव टर्मिनल टा ये गला पॉजिटिव टर्मिनल टा। ओके सो नेगेटिव पॉजिटिव भितरे जेहेतु कैथोड रेज गुडा को होचुंदी नेगेटिवली चार्ज्ड सो सेमन अट्रैक्टेड हेबे कहा साइड को ना टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके सो नेगेटिव चार्ज जेहेतु हेले सेमन अट्रैक्टेड हेले कहा साइड को ना पॉजिटिव साइड को हेला सो एडा को सब कोन थिले एडा को सब होले हमर कैथोड रे गुडा को एटा ला इलेक्ट्रिक फील्ड एपटे पॉजिटिव एपटे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ साइड रे मो एड कर ले सो दैट्स व्हाई नेगेटिव जितकी भी सब चार्जेस उड़ा गथले से माने ट्रांसफर गेले कोट को ना टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड को से माने कोन गले ना ट्रांसफर हे गले ठीक अछि दे आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड माने आउरी मैग्नेटिक फील्ड रे भी डिफ्लेक्शन सो करि थांती दे आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड रे भी तांकर डिफ्लेक्शन सो हेथाय। ओके सो मैग्नेटिक फील्ड रे भी सेम जिनिस होला क्लियर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन को गोटे टर्म कह जाए मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन गोटे टर्म कह जाए। ओके आम परवर्त क्लासेस आगे बढ़ाऊ है देन नेक्स्ट देखिए आम 13 पॉइंट। ओके सो 13 टा पॉइंट देखो डिस्कवरी ऑफ जो आम इलेक्ट्रॉन रहा डिस्को जो कैथोड रे आम डिस्कवरी कले। ओके सो से टोटल तुमको मुझ 13 टा पॉइंट कहली ठीक अच्छे। ओके सो डिटेल्स आम पूरा एव्रीथिंग क्लीयर करवा देपर आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ा जो आमर रहा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके नेक्स्ट देखो कौन कहे ना द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वेयर इज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिक्टेट द स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एटम। ओके टिके डिफिकल्ट अच्छे लाइनटा बुझा क्लीयरली कौन कहे ना द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक अरेंज होठी अरेंज हो रे डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी भी गोटे एटम भितर कौन सी गोटे भी एलिमेंट रहा जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट रहा मतलब कौन जना पड़े ना तर केमिकल प्रॉपर्टीज़टा जना पड़े ऑफ एन एलिमेंट। ओके सो कौन बुझे आम अगर लिखियो ताले कौन थिला ना एलिमेंट हैला माने गोटे माइंड मैप तैयारी कर एलिमेंट एलिमेंट रो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अच्छी एलिमेंट रो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स अच्छी ना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अच्छी सो हमको कौन डिस्क्राइब करता है सर ये डिटरमाइन करे केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करेला केमिकल प्रॉपर्टीज गुड़ा को ये डिटरमाइन करेला
ओके नेक्स्ट कौन कौन वेयर इज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड तार जो स्ट्रक्चर गल सिंपल जो न्यूक्लियस टाइप जो हमें स्ट्रक्चर देखोचे तो सेम एलिमेंट रो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एलिमेंट रो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मीन्स सिंपल जो स्ट्रक्चर टा हमें देखुचे तो सी कौन डिटरमाइन कर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आइटम तले सिंपल वे कौन देखेला स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गुडा को सेम को सो करू क्लियर बिले बुझेला तले एलिमेंट रो जदि हमको क्वेश्चन आसेला एंती कि जदि एलिमेंट रो से कहूँ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन देखाए सर तार केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है आ तार न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कौन देखा था तार स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी ओके सो से एलिमेंट के स्टेबल अच्छी एंड के तार रेडियो एक्टिविटी रोचे मत से डिटेल डिस्क्राइब कर तार जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रही क्लियर बिले बुझेला इतनी पर्यटन ओके अच्छा सो नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन कौन सो 14 नंबर पॉइंट कौन कहला व्हेन ए पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज द व्हील बिगिन्स टू रोटेट एंड सम स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड विथ लाइट है मुझे कौन कहला ना देख पार्थ ये गोटे लाइट पेडल व्हील ये गोटे पेडल व्हील टा कनेक्ट कराई ओके सो टे कलर टाक चेंज कर नवा ओके सीटी गोटे पेडल व्हील टा रखा है ना ये पेडल व्हील टाइम सी रोटेट कर सर्कल लेकिन आग आग कमी पड़ो आग आड़े जीव एपटे जीव पेडल व्हील टाक प्लेस कले है देन यू कौन बाहर ये जो ये टाइप रिनस यहाँ सो एम कौन कह यू कौन बाहर ना स्पार्कलींग बाहर स्पार्कल्स बाहर स्पार्कल्स मीन कौन जो चिंगारी टाइप बाहर ठीक है एंड सी रोटेट कर चिंगारी बाहर अच्छा ये जिनसा कौन पाई है दैट मीनस जो कैथोड रे मैंने अच्छा कि डेफिनेटली मास अच्छे जदि मास नथियो फॉर एग्जांपल मु कौन कहली कि धरा जो ये मुझे ऑब्जेक्ट रखी है तो ताको मु कौन करी ना मुझे हल्वाप चाहूँ तेल मुझे कौन कल धर फुंकिली पेपरटा गोटे अच्छे फुंकिली फुंकिले कौन हो उड़ी सी यू प्लेस को डिस्प्लेस होट मीनस कौन है ना गोटे जो फोर्सटा मुझे दे फोर्स गोटे प्लेस गोटे प्लेस को आगेगला है ये हूँ सेम कम ये कौन है ना जो कैथोड रे मानकर जेहतु तक गोटे मास प्रेजेंट अच्छी सो दैट साइड कौन हो ना जो पेडल व्हीलटा अच्छी सी रोटेट कर आगक पलैगला आगू पलैला आगू पलै सारे कौन ना जितेबाला एटी कनेक्ट कराई देर जिते बड़े आगे सी जाऊँ स्पार्कलींग बाहर मानते चिंगारी टाइप जिनस बाहर सो यू मतलब कौन जना पड़ा कि एम भाई कौन अच्छे दैट इज इट पजेस ए काइनेटिक एनर्जी क्या पाखे काइनेटिक एनर्जी अच्छी ना कैथोड रेज गुड़ाक निजर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट अच्छे दे हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी है जहाँ मैं के ई बोली कहे सो के कमी डिटरमाइन कराए हाफ एम भि स्क्वे हाफ एम भि स्क्वे ओके सो ये के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्लियर बाय व्हिच द पेडल कैन रोटेट एंड जहाँ द्वारा कौन है जहाँ द्वारा पेडलटा रोटेट कर पारे ओके सो पेडल क्या प्रेजेन्स रोटेट कर इन द प्रेजेन्स अफ कैथोड रे और इन द प्रेजेन्स अफ कैथोड पार्टिकल्स ताको आम कहे काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वे क्लियर पे बुझेगा जिन नेक्स्ट यहाँ दुटा फैक्ट गुड़ाक अच्छे मन रखिए गोटे चार्ज अफ इलेक्ट्रॉन मास अफ इलेक्ट्रॉन चार्ज अफ इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटु 10^-19 कूलम देन मास अफ इलेक्ट्रॉन गला 9.1 इंटु 10^-31 के जी ओके सो मुझ होमवर्क दूँ कि मतलब मास रहा फाइंड आउट कर ग्राम रे के सो मास इन ग्राम रे के सो जो मुझे ग्राम रे लिखी दैट मीन 9.1 इंटु 10^-31 के जी को जो ग्राम रे लिखी सो के लिखी क्लियर अच्छा सो ये थिला डिटेल अबाउट आमर जो कैथोड रे ओके एंड कैथोड रे डिस्कवरी केमती हला देन ता सहित ताको एक्सपेरिमेंट केमती करा गला देन सेठ कौन कौन सब पोस्टुलेट्स गुड़ाक बाहर के आसला ओके सो आम डिटेल देखिले आम एगेन फास्ट आउ थे देखी ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गला देन जो ग्रीन कलर ग्लो से शो करता एंड अदर थिंग जहाँ भी सब आम से देखिले डिटेल देन नेक्स्ट कौन कहे ना अदर किसी तरह प्रॉपर्टीज वगैरह थी प्रॉपर्टी 14 सर प्रॉपर्टी आम डिस्कस कले नेगेटिवली चार्ज गले स्ट्रेट लाइन ट्रावेल कर स्मॉल पार्टिकल्स मानक नहीं फ्लोरोसेंस इफेक्ट सो कर एक्सरे प्रोड्यूस करले देन कैथोड रे जो कमी है ना ऑल द कैथोड रेज आर फंडामेंटल इन नेचर एंड फंडामेंटल मीनिंग कौन है ना जब आम गैस चेंज करूँ इलेक्ट्रोमेटेरियल चेंज कले दैट देन तापरे भी सांकर कौन सी भी चेंजेस देखा जाबो नहीं प्रॉपर्टी रे से जमी थे सेमती पूरा सेम एक्जाक्ट रही है
देन मास हमें नेगेटिव चार्ज रखे थे 0.00549 AMU एटॉमिक मास यूनिट। देन नेक्स्ट अच्छा डेफिनेटली आप समस्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तले टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छे से जॉइन करेंगे जाइए ओके। देन देखिले परफोरेटेड एनोड रे केमती कोन होची तापरे किछ जे हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखिया तो सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रू रे से केमती पास करू जाकू। देन हमें तारो देखिले मैग्नेटिक फील्ड रे चेंजेस देखौची इलेक्ट्रिक फील्ड रे चेंजेस शो करूची ओके। एंड सबडे इंपोर्टेंट है लाइटा एलिमेंट तारो जो कोन थिला ना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट शो करूची केमिकल प्रॉपर्टी को न्यूक्लियर स्ट्रक्चर शो करूची स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी ओके। देन नेक्स्ट आसला कौन ना पेडल व्हील आम जो पेडल व्हील रखिले तो से रोटेट कला तो रोटेट करू कौन से भितर स्पार्कल्स गुड़ाक रिलीज है चिंगारी रिलीज है तो सीट कौन जमापड़ा कि कौन अच्छे से किसी कैनेटिक एनर्जी रखुच्चों भितर कैनेटिक एनर्जी फर्मुला है हाफ एम बी स्क्वेयर डेट सौ पेडलटा रोटेट करा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे कहीदी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कही 9.1 × 10⁻³¹ के जी होमवर्क दिखाई है ग्राम रे के कन्वर्ट कर कमेंट सेक्शन में जनइबे ओके अच्छा सो ठीक अच्छे। देन तो जब आप सब्सक्राइब करना एपर्तंत जब भिड भल लगे तो भिडियो लाइक करदे एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ओके। एंड टेलीग्राम ग्रुप्र लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन रही है सो डेफिनेटली आप टेलीग्राम भी जॉइन करेंगे ओके। सो ठीक अच्छे देन आज क्लास को आम ये एंड करवा तो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग आवर सेशन एंड जब भिड भल लगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जनइबे ओके। सो ठीक अच्छे देन देखा आप सहित पुणी थे मोर नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड समस्ते भले था डेफिनेटली पाठ पढ़ के आगे बढ़ा ओके। सो थैंक यू देखा अगेन नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में। थैंक यू।